हे व्हाट्सअप फैमिली, कैसे हो आप लोग। और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ मेरा फेवरेट डिस्प्ले बुक। सो आप लोग एंजॉय करना। और गाइस, ये रहा मेरा फेवरेट डिस्प्ले बुक। और मैंने इसमें अपने पूरे स्केचेस बहुत ध्यान से प्रोटेक्ट किए हैं। और अगर आपको मेरे सारे वीडियो चाहिए जिसमें मेरे पास कितने डिस्प्ले बुक हैं, मैं वह सब भी आपको दिखाऊंगा एक वीडियो में। अगर आपको वह वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। लाइक हम रखते हैं इस वीडियो का 50 लाइक। अगर यह लाइक टारगेट कम्प्लीट हो जाता है तो मैं बनाऊँगा इसका पूरा डिस्प्ले बुक टावर। तो गाइस प्लीज़, चलो आप लोगों मैं वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ बिना कुछ बकवास किए हुए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने ड्राइंग टेबल पे और मैंने अपना डिस्प्ले बुक यहाँ पे रख दिया है। और गाइस, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा पहला स्केचेस कौन था। मेरा पहला स्केचेस बूढ़े बाबा थे जिनका मैंने रैंडमली स्केचेस किए थे पिंटरेस्ट ऐप से पिक्चर लेके। और सेकेंड था सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने रेप करी, अभी नहीं रहे इस दुनिया में, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आप लोगों को तो पता होगा। और ये है नीतीश कुमार और ये है गणपति बप्पा। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि आपको अपना जो ड्राइंग का स्किल है वो कैसे इम्प्रूवमेंट करना है। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों को क्या करना होगा कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप अभी बिगनर्स हो और अभी आपको डायरेक्टली पोर्ट्रेट पे जा रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप पहले पोर्ट्रेट मत बनाओ, पहले आप जानवर का बनाओ, भगवान का बनाओ या फिर कोई फूल पत्ते का बनाओ। और गाइस, तब तक बनाते रहो जब तक आपको जो चीज़ आप देखो वह चीज़ सेम टू सेम नहीं उतार सको, तब तक आपको बनाना होता है। और गाइस, मैं अभी तक मैं बता दूं कि मैंने जितने पहले स्केचेस किए थे, अगर मैं वह स्केचेस को फिर से देखता हूं तो मुझे हंसी भी आती है और मुझे खुशी भी होती है। वह हंसी इसलिए आती है कि मैंने कैसे स्केचेस किए थे, और खुशी इस बात से होती है कि मैंने अपने अंदर इतने इम्प्रूवमेंट लाए और मैं अभी ऐसा ड्राइंग करता हूँ। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं अपना नेक्स्ट ड्राइंग लेके आने वाला हूँ काफ़ी बेहतरीन। तो हमारा आर्ट भी कम बैक हो चुका है क्योंकि मैंने 10 डेज के लिए ब्लॉग बनाया था। तो गाइस, ये देखो सुशांत सिंह राजपूत का जो पेंटिंग देख रहे हो, ये वाटर कलर पेंटिंग है जिनको मैंने सबसे पहले पोर्ट्रेट बनाया था और वो भी प्रैक्टिस के रूप में। और गाइस, ये थे माँ दुर्गा का जिनमें मैंने ऑयल पेस्टल और कलर पेंसिल का दोनों का यूज़ किया था। सोच सकते हो कितना हार्ड था मेरे लिए। और गाइस, जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस किया वाटर कलर में, स्केचिंग में, ऑयल पेस्टल पेंसिल पेंटिंग में, कलर पेंसिल में, जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस किया ना वैसे वैसे मेरे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। और गाइस, ये जो आप देख रहे हो टाइगर का, ये मैंने आग से बनाया था। जी हाँ दोस्तों, आग से। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़्यादा डेंजर सा ड्राइंग करना चाहिए और ज़्यादा ज़्यादा अनोखा ड्राइंग करना चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना क्यों हम लोग आग से ड्राइंग करें। तो मैंने आग से ड्राइंग किया था। अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो वीडियो का लिंक मैंने आपको आई कार्ड पर दे रखा है, जाके आप लोग देख सकते हो। और गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ कि इसमें से मैंने जितने भी स्केचेस आपको मैं दिखाया है उनमें से 99% मेरे ड्राइंग यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। तो जाके आप लोग चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ अपने चैनल का फिर से। और नहीं तो आप जाके सब्सक्राइब करके वहाँ से बगल में मेरे लोगो पर क्लिक करोगे तो मेरे चैनल पे चले ही जाओगे। तो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और गाइस, चलो आप लोग गाना को सुनो और ड्राइंग को एंजॉय करो। तो लेट गेट स्टार्टेड। एंड भाई ओ छोटे, म्यूजिक बजा दे।
आई होप कि आप सभी को यह ड्राइंग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा वीडियो को लाइक, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बगल में जो बेल आइकन है उसे कर लेना प्रेस। मैं इसी तरह हर एक वीडियो जब भी डालूंगा तब आपके पास सबसे पहले यह वीडियो पहुँच पाए। और गाइस चलो वीडियो करते हैं एंड, मिलते रहेंगे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं डेली अब वीडियो अपलोड करूँगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।